हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टाइप का पेपर कर्ल वाला लिरिक्स वीडियो एडिट करना सीखेंगे, वो भी कैपकट एप्लीकेशन की हेल्प से। इसका जो प्रोसेस है उसका पूरा स्टेप आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो एडिट करने के लिए कैपकट एप्लीकेशन का यूज करेंगे, तो उससे पहले आप लोग को एक वीपीएन लगाना होता है। तो आप लोगों के पास जो भी वीपीएन है उसको आप लोग ओपन कर लेना। मैं यहाँ से टर्बो वीपीएन ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से टैप टू कनेक्ट पर टैप करोगे, थोड़ा सा लोडिंग होगा, फिर आप लोग का वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग को एक ऐड भी देखना पड़ता है, तो आप लोग को इसको इस टाइप से हटा देना है। उसके बाद आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। कैपकट ओपन हो जाने के बाद इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, उस पर एक बार टैप करना है। टैप कर लेने के बाद आप लोग को लड़की का फोटो चाहिए होगा, गर्ल का, आप लोग सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मेरे पास कुछ गर्ल्स के फोटो हैं जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और जितना भी मटेरियल मैं यूज करूंगा सब आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहां से हम लोग ये वाली लड़की का फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर टैप करेंगे, हम लोग का जो फोटो है यहाँ पर एड हो जाएगा। और सबसे पहले काम आप लोग को करना है इसका रेशियो उसको चेंज करना है, तो उसके लिए आप लोग को इधर स्क्रॉल करना है, रेशियो का एक ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, इस पर एक बार टैप करो। यहाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है आप लोग को इस पर टैप कर देना है, आप लोग का रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक कर लो। अब आप लोग को फोटो को इस टाइप से टू फिंगर से पकड़ कर जूम कर देना है, फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना जिधर लेफ्ट राइट जो भी रखना चाहते हो। उसके बाद आप लोग को इसका जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जितना सेकंड का आप लोग अपना वीडियो बनाना चाहते हो उतना आप लोग को इसको बढ़ा देना है। तो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को इसको पकड़ कर इस टाइप से खींचना है, फिर आप लोग का जो फोटो इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, तो आप लोग जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। यहाँ से मैं लगभग 15 सेकंड रख देता हूँ। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में आएंगे। अब इसमें हम लोग को एक इफेक्ट यूज करना है, ठीक है, इसको ब्लर करने के लिए। तो इसके लिए आप लोग को इधर स्क्रोल करना है, इफेक्ट का जो ऑप्शन आप लोग को शो हो रहा है इस पर एक बार टैप करो। यहाँ से वीडियो इफेक्ट में आप लोग को जाना है। उसके बाद यहाँ से एक इफेक्ट आप लोग को बताता हूँ, उसको आप लोग अपना फोटो उसमें अप्लाई कर देना है। और मेरा डाटा काफ़ी स्लो है। यहाँ आ जाने के बाद आप लोग को ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को इधर स्क्रॉल करना है। यहाँ से लेंस का जो ऑप्शन शो हो रहा है इस पर एक बार टैप करो। टैप कर लेने के बाद आप लोग को इधर स्क्रॉल करना है और आप लोग को ब्लर इफेक्ट फाइंड करना है। मेरे भी यहाँ पर स्टार्टिंग में ही है, कई कई बार आप लोग को यहाँ पर नीचे में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग को इसको फाइंड कर लेना है, देन अपने फोटो में इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ से राइट क्लिक करना और इसका जो एडजस्टमेंट है उसको आप लोग को करना है, क्योंकि इतना ब्लर हम लोग को नहीं चाहिए। तो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है एडजस्ट का, इस पर एक बार टैप करो। इसका ब्लर है उसको थोड़ा सा कम कर दो, लाइक दिस 35 से 40 के बीच आप लोग रख सकते हो, मतलब 30 से 40 के बीच। इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देना, इसका जो ड्यूरेशन है जितना फोटो है हम लोग का उतना में आप लोग को अप्लाई कर देना है। इसके बाद यहाँ से बैक करना। अब आप लोग को एक टेम्पलेट मिलेगा, उसको आप लोग को यहाँ पर एड करना है, उसका भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जितना भी मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ सब आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो बार बार इसको बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो टेम्पलेट है आप लोग को इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, और इसको इधर स्क्रॉल करके इसको पूरी स्क्रीन पर फिल करना है, तो उसके लिए इधर स्क्रॉल करना है। यहाँ से आप लोग को बेसिक का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर एक बार टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ से स्केल का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर 100 से अगर कम होगा तो आप लोग को इसको 100 कर देना है, जो हम लोग की में कम है तो यहाँ पर 100 कर देते हैं इसको। उसके बाद राइट प्रेस करेंगे। अब आप लोग को इसका ऑडियो इसको म्यूट करना है, तो उसके लिए इस पर टैप करो वॉल्यूम पर, और इसका जो वॉल्यूम है पूरा डाउन कर दो, ऐसे राइट क्लिक कर दो। और देख सकते हो इसमें दो कलर है, ब्लू और ग्रीन। तो सबसे पहले आप लोग को एक कलर को यहाँ पर रिमूव करना है, तो वो कौन सा कलर है, यहाँ पर हम लोग को ग्रीन को करना है, तो उसको करने के लिए इधर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर रिमूव बीजी का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर टैप करने के बाद क्रोमा की दिख रहा है, इस पर टैप करो, यहाँ से ग्रीन कलर को पिक कर लो, फिर आप लोग का जो ग्रीन कलर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ से एडजस्टमेंट वगैरह आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इस टाइप से। अब राइट क्लिक कर देना है आपको। अब उसके बाद आप लोग को एक और ओवरले चाहिए, जो इस पर टैप करके उसको भी ऐड कर लेते हैं, ये वाला है स्टार वाला, इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। अब इसको भी यहाँ से जूम कर देना है, इधर स्क्रॉल करेंगे और फिर से बेसिक वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसका स्केल है जूम कर देंगे 100, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो आप लोग क्योंकि इसमें एक बॉर्डर है जो काफ़ी मोटा है, तो आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। हम लोग यहाँ से 100 कर देते हैं, देख सकते हो इस टाइप से। और इसको आप लोग को ब्लेंड करने, क्योंकि इसका जो कलर है ब्लैक कलर है, तो ये स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, मतलब जो फोटो है हम लोग का वो नहीं दिखेगा,
तो उसके लिए आप लोग को ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए स्टार्टिंग में आ जाना है आप लोग को, यहाँ से स्प्लाइस का एक ऑप्शन शो हो जाएगा आप लोग को, इस पर एक बार टैप करो, कुछ ऑप्शन से शो हो जाएगा। यहाँ से आप लोग फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो या फिर लाइटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करना है। अब उसके बाद आप लोग को इसका आइडियो उसको म्यूट करना है, तो उसके लिए ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वॉल्यूम का, इस पर एक बार टैप करो, यहाँ से इसका वॉल्यूम है इसको भी जीरो कर दो, राइट क्लिक करो। अब फिर से स्टार्टिंग में आएंगे और इसमें एक लिरिक्स ऐड करने हैं, आप लोग खुद से टाइप कर सकते हो या फिर यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को सेकंड नंबर का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा, यूट्यूब से मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ से फिर से ऐड वाले में जाएंगे, यहाँ से मेरे पास दो लिरिक्स है, दोनों का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर टाइप करके ऐड कर लेते हैं। इसको भी आप लोग को ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करो, यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ से प्ले करके देख लेना आप लोग, जहाँ से लिरिक्स आ रहा है आप लोग को वहाँ पर शो, मतलब लिरिक्स दिखना चाहिए। उसके बाद आप लोग इसको जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। इस टाइप से मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है। और अगर आप लोग इसे साइज बढ़ाना चाहते हो तो इस टाइप से टू फिंगर से इसको जूम कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इधर स्क्रॉल करना है। अब आप लोग को इस पर टैप करना है फोटो में, और यहाँ से आप लोगों को क्योंकि 15 सेकंड का चाहिए तो इस पर एक बार टैप करना है, और इधर का जो बाकी पार्ट है सबका आप लोग को सबको कट कर देना है। तो इस टाइप से स्प्लिट दिख रहा है, इस पर टैप करो, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दो। सेम प्रोसेस इन सब में भी करना है क्योंकि हम लोग को ओनली 15 सेकंड का ही वीडियो चाहिए, सो ये कर सकते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा लंबा जो वीडियो है वो चाहिए तो आप लोग ये भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग का वीडियो यहाँ से काफ़ी हद तक रेडी हो गया है, देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा और काम है जिसको हम लोग को करना है, तो उसके लिए पहले वीडियो को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस पर टैप करो, यहाँ से ये दोनों को फुल कर दो नीचे का। अगर आप लोग हाई क्वालिटी में चाहते हो तो इसको भी यहाँ से फुल कर सकते हो, बट मेरे को 1080p में चाहिए। तो यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पर टैप कर देंगे, हम लोग का वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और राइट, हम लोग का वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, यहाँ से ऊपर डन दिख रहा है, इस पर एक बार टैप करो। यहाँ से फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करो, अब उसी फोटो को फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक कर दो, अब फिर से इसका रेशियो इसको चेंज करना है, तो उसके लिए फिर से इधर स्क्रॉल करो, यहाँ से इस पर जाकर सेकंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ये वाला जो फोटो है आप लोग को इसको एडजस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग को ओवरले में जाना है, यहाँ से एड वाले करेंगे। अब आप लोग को उस वाले वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसको हम लोगों ने अभी एक्सपोर्ट किया था, तो यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये वाला हम लोग का वीडियो है रिसेंट में, इस पर टैप करके इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसको फिर से पूरे स्क्रीन पर फिल करना है, तो उसके लिए इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ से फिर से बेसिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके स्केल पर जाएंगे, इसको यहाँ से 100 कर देंगे। इसके फिर काफ़ी हम लोग का वीडियो रेडी हो गया है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। अब इसका जो ब्लू कलर है देख सकते हो, ये पेपर कलर वाला, इसको हम लोग को हटाना है, तो उसके लिए फिर से इधर स्क्रॉल करना है और रिमूव बीजी में जाएंगे, फिर से क्रोमा की को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब हम लोग को ब्लू कलर यहाँ पर पिक करना है और इसको यहाँ से फुल कर देना है, फुल नहीं मतलब एडजस्टमेंट आप लोग देख लेना अपने फोटो के अकॉर्डिंग, हाँ ये सही लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग को राइट क्लिक कर देना है, उसके बाद ये वाला जो फोटो है उसको थोड़ा सा इधर लाकर आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। मेरे में तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब आप लोग को ये वाला जो फोटो का लेंथ है उसको इस वाले वीडियो तक ले जाना है, यहाँ तक। अब इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट उसको यहाँ से कट करके डिलीट कर देंगे। आप लोग का वीडियो यहाँ से सक्सेसफुली रेडी हो गया है, आप लोग को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, काफ़ी सही लग रहा है, और इधर भी बहुत सारा पेपर कलर का जो इफेक्ट है यहाँ पर आते जाएगा, और वीडियो हम लोग का काफ़ी शानदार बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोग को वीडियो को फिर से एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए इस पर टैप करो, इन दोनों को फिर से फुल कर दो और फिर से एक्सपोर्ट पर टैप कर दो। और आई होप आप लोग को ये वाला एडिटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा, और अभी भी कोई डाउट आप लोग को जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। और जितना मटेरियल मैंने यूज करा है सब आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो।